लद्दाख, यहाँ आना किसी भी ट्रैवलर के लिए अपना सपना पूरा करने जैसा होता है। हम भी निकल पड़े हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। हर एक जर्नी, हर एक डेस्टिनेशन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है और एक नया एक्सपीरियंस देती है। इस जर्नी का ये हमारा पहला दिन है और फाइनली हम जा रहे हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन लेह लद्दाख। अभी हम निकल चुके हैं लेह सिटी एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ। अभी हमने एक टैक्सी हायर की है। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जितने भी टैक्सी है उनको कंट्रोल करने के लिए एक टैक्सी यूनियन बनी हुई है। आप ऑनलाइन भी विज़िट कर सकते हैं लेह लद्दाख टैक्सी यूनियन .com पर। कोई भी टैक्सी वाला आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा, जो इनके चार्ट में मेंशन है वही पैसे आपसे वो लेंगे। Hey guys, good morning. अभी हम आ चुके हैं अपने होटल संगटो ग्रीन और काफ़ी अच्छा व्यू है। एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन एंड शाइन, एकदम सूरज एकदम चमक रहा है और हमारे होटल में सेब के भी पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है और ये हमारा होटल है और हमारी फर्स्ट डे जर्नी स्टार्ट हो गई है लेह लद्दाख की। अभी लेह सिटी टूर है और देखते हैं टाइम बचता है कितना, कहाँ क्या क्या चीज़ें। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे और चलते हैं लेह सिटी पे। और हमारी बाइक भी आ चुकी है और बाइक पे बैठ के जाएंगे हम ब्रुम ब्रुम चलते हैं। हमारी बाइक आ चुकी है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, इस पे हम आज सिटी का टूर करेंगे। चलो चलते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। होटल से दिखने में लग रहा है कि कुछ कदमों की दूरी पर है, बट ये लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर है हमारे होटल से। थोड़ा ये हाइट पर है तो इसलिए हमें घूमकर जाना पड़ेगा। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं शांति स्तूपा। काफ़ी अच्छा मौसम है अभी, ना धूप है ना ज़्यादा सर्दी है और थोड़ी सी हेजिटेशन सी है अंदर, मतलब कि थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पर, तो उस वजह से थोड़ा आज हम आए हैं तो इस वजह से भी थोड़ा सा लग सकता है कि वैसे तो सब लोग बोल रहे थे आज एक दिन आप होटल में स्टे करना है आपको, आपको जाना नहीं है कहीं पर भी, बट हम आ गए हैं क्योंकि चुनी। शांति स्तूपा आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ में, मेरे शांति स्तूपा है और नीचे की थोड़ा सा डाउन जाएंगे आप, मेडिटेशन रूम है और उससे नीचे टेंपल है। हमने ऊपर से स्टार्ट किया है, पहले हम विजिट करेंगे शांति स्तूपा, देन मेडिटेशन रूम और फिर उसके बाद हम स्टार्ट जाएंगे टेंपल के अंदर। अभी हमें शांति स्तूपा हम लोग चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा क्या है। Let it change.
like a family tree. Part of you and part of me. अभी हम शांति स्तूपा के ऊपर वाले भाग पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको ले सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा सा हाइट पर होने की वजह से आपको आसपास का जो एरिया है वो अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेडिटेशन हॉल है शांति स्तूपा का। मेडिटेशन रूम के अंदर एंट्री करने के बाद आपको साइड में जो टेबल्स दिखाई देंगे, आप यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन और प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है यहाँ पर। और सामने हमें बुद्धा जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है, जिस पर कारीगर अभी भी कुछ नक्काशी और पेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। मेडिटेशन रूम के बाद हम शांति स्तूपा टेम्पल जाएंगे। ये शांति स्तूपा का टेम्पल है। अभी टेम्पल के अंदर हम एंट्री करेंगे। आपने हमारे साथ इस वीडियो में शांति स्तूपा का वर्चुअल टूर किया और तीनों भागों को काफ़ी अच्छी तरीके से देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ ब्रजेश। अगर आप कुछ सजेशन कुछ सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।